फ्रेंड्स फाइनली अभी रूम में आ गए भागा दौड़ी करके, और भागा दौड़ी के आखिर में फंस गया मैं ही। ये लोग यहाँ पे मजे मार रहे थे, मैं उनके साथ भागा दौड़ी कर रहा था, लेकिन क्या भी बोलो मजा आया, एक अलग ही था हमारा एक्सपीरियंस। और कल सुबह डायरेक्ट आपको मिलता हूँ मैं, तो बाय गाइस। अभी हो गए हम रेडी, निकलने का वक्त हो गया है। डेली हम लेट होते थे, मतलब हाफ एन आवर हम लेट होते थे, इस बार हम हाफ एन आवर जल्दी जा रहे हैं। अरे हमको 8 बजे बुलाया था, हमको कितना 7:22 हुए हैं, अभी निकल रहा है। ये देखें ये एस्थेटिक का ज़्यादा हम सिंपल भाई, उनको एस्थेटिक भी रखो, एस्थेटिक भी रखो। अभी आ गए हम नाश्ता करने, ब्रेड चाहिए हो ब्रेड है, यहाँ पे स्वीट वाला कुछ है वहाँ पे भी, पेट भी थोड़ा ख़राब है तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, राक्षस की जगह खाए तो। और ये सारा लगेज ला के रखे हैं और हमारे सारे बंदे कर ले गए नाश्ता, और जब तक बस आएगी हमको यहाँ ही वेट करना है। और आज हम सबसे जल्दी आए, हाफ एन आवर लेट आने वाले बंदे, हाफ एन आवर जल्दी आए, 1 घंटे का फर्क दिया आपने, 6 घंटे होता है, 1 घंटे का फर्क दिया नहीं। स्वेटर पे हम सभी निकल रहे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत फोटो शूट चल रहा है और हमारा सब कुछ एकदम फंटास्टिक। बहुत जल्दी हो गया दिन खत्म, लेकिन अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम आए हैं किसी साइट सीन पे और यहाँ पे हम उतरे अभी, और अभी देखने जा रहे हैं वो लगभग हमारे पीछे है। यहाँ पे आप देखें हमारे सारे बंदे रुके हुए हैं, और वहाँ पे शेप ये वगैरह और जो बहुत सारी चीज़ें। गाइस देखो हेमंत भाई इधर देखो, फुल क्या बोलना चाहते हैं आप, नींद आ रही है तुमको भी, सबकी हालत एक ही जैसी हो गई, और तुम 10 दिन वाला ट्रिप मांग रहे थे। ये भी बोल आज वोटिंग करते जा रहे हैं, आज फिर से वोटिंग है, वोटिंग नाश्ते में एक ही ब्रेड खाया वो भी ट्रेन से। अभी हम वापस से और एक बोट पे आए हैं, गाइस हम निकल गए आसमान की ऊंचाइयों में, पानी की ऊंचाइयों में, हमारे दोस्त लोग भी है। हम एक जगह से दूसरे जगह आए और अभी आए हैं, पता नहीं हमें कहाँ जाना है, तो गाइस अभी चलते हैं, तो लेट्स गो। क्या करो, मीटअप गाइस, कैमरामैन भी लाया था हमने, 100 रुपए देके, और इसको बोलने के लिए लाया था, और ठीक करने वाला इसको 50 रुपए दे के लाया था ये लोगो। सभी का सीन ऐसा है कि हमें एक बोला गया है कि तुम्हें जहाँ घूमना है घूमो, लेकिन कितना बजे 9:50 तक हम जाके आ सकते हैं, जी लो अपनी जिंदगी, बार बार क्या दुबे भी जाके आ सकते हैं, लेकिन अभी 9:10 हुए, 9:50 को हमें 9:50 को जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ वापस आना है। अभी हम जहाँ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पहुँच गए चल के, लगभग 15 मिनट चले हम, और फाइनली जहाँ पे हमें आना था
वो पॉइंट मिल गया है। तो अभी सिनेमैटिक्स चेक करें आप। शॉपिंग कर लिया थोड़ा बहुत, घूम फिर के हालत ख़राब, और अभी वापस हमारी बस बस तो क्या है शिप आ गई है और हम अभी वापस जा रहे हैं। अभी सेकंड स्पॉट पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, बोल रहे हैं। आया हमें एक टेंपल के पास, अभी इसके बाद हम जाने का घर यानी हमारा रेलवे स्टेशन। देखे पीछे थोड़े लोग और आगे थोड़े लोग। सब लोग आ गए बाहर टेंपल को जाके, अभी यहाँ रुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। तो हालत और ख़राब होते जा रही है, लेकिन हम रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेहनत भी बहुत है, मेहनत करेंगे, फल मिलेगा। हाँ, टाइम हुआ है 11 o'clock, हमारे हमको बोला था कि 12 बजे तक हम रेलवे स्टेशन में रहेंगे। पता नहीं ये लोग ऐसे देख रहे हैं, झाँक के मेरे को। तो गाइस किसी ने तलांजुम का गाना सुन लिया। हमारी बस आ चुकी है, वो है उधर, और अभी पता नहीं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जा रहे हैं किसी और पर। से हम जहाँ पे फर्स्ट दिन आए थे वहाँ पे आ गए। हम लगेज निकाल रहे अपना, और अभी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। हम लगेज निकाल रहे अपना और अभी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, जिसके लिए हम केरला आए थे वो फाइनली मिल गया है, जो है हलवा, और सैयद भाई ने भी ले लिया। और हम बैग इधर ही छोड़ के हलवे के दुकान में गए, और अभी लगभग हमारे पास अभी और 1.5 hours है। तो हम सबकी फटी हुई है, देखो हमारी हालत देखो, क्योंकि हम डेली ट्रैवल कर रहे थे, हमने लगेज रखा है इधर। हमारी ट्रेन आने वाली 12:30 को। फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं, और हमारे सब ये सब पार्टनर्स हैं, और हमें खाना भी दे दिया, और वेज है नॉन वेज दोनों है। तो अभी निकल चुकी है ट्रेन कारवार के लिए, और अभी बज रहे हैं 1:30 शाम के, और बहुत थके हैं। मुझे नहीं लगता अभी मैं ब्लॉग बना पाऊँगा आगे, क्योंकि तो अभी रेस्ट करना है। मैं आपको डायरेक्ट शाम में मिलूँगा, अभी सोते हैं। सारे लोग सोने वाले हैं, कोई भी बंदा जागने वाला नहीं है। सिनेमैटिक शॉट्स लेके आपको खुश कर रहा हूँ। सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और खाना खाने के बाद मैं तो सो गया, और अभी जस्ट उठा हूँ, और हमारे सारे बंदे तो चले गए उधर। हमारे पास सूरज भाई है, सैयद है, और यहाँ पे फ्रैंकलिन, गणेश, और हम भी अभी वहाँ जा रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। सुनने में आया नींद इतनी आ गई थी कि ब्लॉग करना तो मेरे लिए बस की बात नहीं थी। तो मैंने खाना खाने के बाद डायरेक्ट बस हो गया, और अभी मैं उठा हूँ जस्ट चेंज करके, और चेंज भी बहुत मुश्किल से किया है, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज करने की तकलीफ हमें पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। गाइस ये लोग पत्ते खेल रहे इधर, उनो खेल रहे उनो।
आगे चलते हैं आगे आगे। यहाँ पे हमारे तीन लोग बैठे लॉयड भाई खेड़ा भाई बाहर का सीन देखे आप। शाम का वक्त हो गया है, बिग बॉस का नहीं हो रहा अभी हो गया है 6:30। अभी का सीन ऐसा है, अभी हो गया है 6:30 और तो आप देख सकते हैं रेड सिग्नल है और ट्रेन रुकी हुई है। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आए वापस रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया तेरा उजरा सितारा मेरे काम तेरा चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ आप देख सकते हेलो गाइस। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी हम अंकोला पहुंच गए हैं। हम लोग ने एक बिहारी को पिकअप किया है। एक बिहारी भी हमारे साथ आ रहा है जो हमारे कारवार का टूरिज्म देखना चाहता है। और ये देखो ये तो वेलकम दोस्तों, वापस मिल गया मैं आपको। तो अभी आगे की बात करते हैं, क्या हुआ इस सीन के बाद। इस सीन के बाद मेरी हालत नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं बिना वेट किए उधर मैं डायरेक्ट रिक्शा पकड़ा और चला गया अपने घर। और डायरेक्ट अगले दिन सुबह उठा और लग गया अपने एडिटिंग में। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सीरीज में चल रहे थे, कंटिन्यू गैप में बराबर प्रॉपर वे में जा रहे थे। बट ये जो पार्ट है ये लगभग एक महीने का गैप लेके आ रहा है। तो ये थी हमारी कॉलेज ट्रिप टू केरला। बहुत मजा आया, बहुत मजे किए, इंजॉय किए, मस्ती मौज झगड़े लड़ाई बहुत सारा। एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि ड्यू टू कोविड ना मैं नाइन्थ में था ना मैं टेंथ में, फर्स्ट ईयर में गए थे वो पिकनिक था, टूर नहीं था। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा टूर के हिसाब से, वो भी सारे क्लासमेट्स के साथ। तो जब हम ट्रेन में बैठे थे थोड़ी लोगों की हालत हवा उसमें ही टाइट हो गई। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मुश्किल लगत तकलीफें उठाने के बाद हम फाइनली हमारा ट्रिप कंप्लीट करके इस मकाम पे ठहरे हैं जहाँ पे हम सब खुश हैं। तो यही सेम शर्ट लास्ट फोर्थ पार्ट के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये मैंने केरला से खरीदा था। इसका प्राइस था लगभग 200 रुपये। सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे केरला के पार्ट पे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। फर्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला आपका। और दिस इज द फाइनल पार्ट, तो इस पर भी आप अपना प्यार दिखाएं, कमेंट सेक्शन भर दें। और इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में भी जल्दी ही एक अच्छा ब्लॉग आएगा और आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें, जितना आप दे रहे हैं आप और दें। और आखिर में यही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए ब्लॉग ट्रिप ये सब खुशियों की चीज़ है। बट हालात अभी ऐसे हैं हम लोगों के जहाँ पे जुल्म हो रहा है, बमबारी हो रही है, इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। कहाँ गई अभी ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ तो मिट ही गई इस दुनिया से।
मैं बात कर रहा हूँ फलस्तीन के लोगों की, फलस्तीन का वो बच्चा जिसको फूल क्या है वो तक नहीं पता, उसको बम से मारते जा रहा है। मैं फलस्तीन को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें ना, क्या गलती थी उन फलस्तीनियों की जो आज भुगत रहे हैं। लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने का समय हो चुका है, आज भी वहां पे बम गिर रहा है। हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। मैं हमारे मेरे सब्सक्राइबर्स से गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए प्रे करें और उनको सपोर्ट करें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपने ही घर से अपने लोगों को निकाला जा रहा है। फलस्तीन में 1948 से पहले को मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये कुछ मैप था फलस्तीन का 1948 से पहले, और आज 2023 का मैप कुछ ऐसा है। तो इसके साथ मेरा ब्लॉग एंड करता हूँ। होप यू ऑल गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें नपू ब्लॉग्स को लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड लेने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, सेव पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। थैंक यू।